अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फाइनली हम न्यूरो ऑफ्थेलमोलॉजी ऑप्टिक नर्व डिजीजेस का जो चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक करने लगे, विच इज़ ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी में से फिर से वही बात है कि एससीक्यू कभी आया तो नहीं है उस तरह से, लेकिन एमसीक्यूज चूँकि आ सकते हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। और बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है इसमें। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगी आएगी इंशाल्लाह, वो आपका रेटिना का जो रिमेनिंग पोर्शन है, कुछ लेक्चर्स आ चुके थे, कुछ जो नहीं रहे आए थे वो होंगे, और फिर स्ट्रैबिस्मस आ जाएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक एट्रोफी। नाम से पता चल रहा है एट्रोफी इज द सेल डेथ। तो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स के सेल की डेथ हो जाएगी अगर, तो वो हमारे पास ऑप्टिक एट्रोफी कहलाएगा, ठीक है। अब जो आपकी मतलब जो तो ही यज होगी, जो बुक्स आप लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं उसमें जो लिखा हुआ है, वो उन्हें लिखा हुआ है कि ऑप्टिक डिस्क के जो एरिया के जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं ना, मतलब आपको पता है ना कि ऑप्टिक नर्व किस तरह बनती है। आपको बताया था कि रेटिना की जो आखिरी लेयर है उसमें गैंग्लियन सेल्स होते हैं, और इन गैंग्लियन सेल्स के सारे एक्सॉन्स होते हैं, और ये एक्सॉन्स मिल के एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, और वो जगह होती है आपकी ऑप्टिक डिस्क, जो आपकी अपेयर होती है और फंडोस्कोपी, और फिर ऑप्टिक डिस्क से आगे आपकी पूरी ऑप्टिक नर्व बन जाती है और शुरू होती है। वैसे तो ऑप्टिक एट्रोफी को अगर देखा जाए ना, तो इसमें जनरली सारी की सारी बातें आती हैं। सारी की सारी बातों से मेरी मुराद ये है कि इसमें हमारे पास ऑप्टिक एट्रोफी में पूरी ऑप्टिक नर्व की मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द आई अप टिल जहाँ पर ये जाके ख़त्म नहीं हो जाती इन टू योर ब्रेन, वहाँ तक जितने भी एरिया मतलब पूरा एरिया, इसमें किसी भी जगह पर अगर सेल डेथ हो जाएगी ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स हैं उनकी डेथ होगी, तो उसको ऑप्टिक एट्रोफी में कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमारी क्योंकि थोड़ा इतना हम ब्रॉड एरिया में बात नहीं कर रहे, हमने आई से रिलेटेड बात करनी है, तो हम जो बात करेंगे ऑप्टिक एट्रोफी में वो ये कि एट्रोफी ऑफ द ऑप्टिक डिस्क के फाइबर्स, ठीक है, मतलब यानी कि जो फाइबर्स ऑप्टिक डिस्क के एरिया में है या फिर जो रेटिनल गैंग्लिया से एग्जॉन्स निकल रहे हैं इस एरिया में, अगर सेल डेथ हो जाती है इन फाइबर्स की, तो वो हमारी ऑप्टिक एट्रोफी हम उतने लेवल तक पढ़ेंगे। लेकिन जनरली अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाएगा, तो ऑप्टिक एट्रोफी इज़ द डेथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स जो कि एग्जीक्यूट करते हैं फ्रॉम द आई अप टिल योर ब्रेन का जो ऑप्टिक एरिया है वहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास अब इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, तीन चार टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक होती है हमारी प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी। प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी में, अच्छा मेरी बात आपको होपफुली समझ आ गई होगी जो मैंने अभी पहले बताई है, लेकिन अगर किसी को कोई भी बात कहीं पर भी नहीं समझ आती ना यार, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स और मेल पे मुझसे पूछ लें। सेल्फलेस मेडिकोज की मेल गिवन होती है, मेरा पेज है सेल्फलेस मेडिकोज का, आप वहाँ पर पूछ लें, डेफिनेटली इंशाल्लाह अगर वो मेरे तक पहुँचती है बात तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी उसको, तो आप पूछ लिया करें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी, जो पहली टाइप है ऑप्टिक एट्रोफी की। इसमें क्या होगा, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो प्रॉब्लम है वो आपका डिस्क से पीछे पीछे थोड़ा सा है, मतलब ये कि आपका, मैं अगर बताऊं कि ये आपका पूरा ऑर्बिट है, ठीक है, सपोज करते हैं ऐसे करके ये आपकी आई है, ठीक है, ये मैंने बहुत बुरी बना दी है, ओहो, ठीक है, बहरहाल ये आपकी आई है, ठीक है, एंड दिस इज योर ऑर्बिट। ऐसे कौन शेप्ड ऑर्बिट ही होता है ना, आपको याद है हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट इज द कौन शेप एरिया, ऐसे करके होता है, और इसमें ये आपकी पूरी की पूरी आई पड़ी हुई है जिसमें से यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही है। अब ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क, ठीक हो गया जी, आपका ये एरिया तो है ऑप्टिक डिस्क का एरिया दिस वन, और इससे पीछे ये आपकी ऑप्टिक नर्व बन गई। अच्छा, अब हमारे पास जो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी है उसमें जो ऑप्टिक डिस्क में कोई ना कोई मतलब जाहिर है ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स की डिजेनरेशन हो रही है, कोई मसला हो रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बिहाइंड ऑप्टिक डिस्क है। ऑप्टिक डिस्क क्या, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से जब हम फंडोस्कोपी करते हैं तो डिस्क बिल्कुल नॉर्मल अपेयर होती है, डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं अपेयर होती, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो इस जगह पर कहीं पर है, यहाँ कहीं पर इशू है। और वो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास जो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस मैंने आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस पे पढ़ाया था, और उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में, उसमें नाम ही बता रहे हैं रेट्रोबल्बर, आई से पीछे इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स की, ठीक है, यानी कि ये जो हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व है ये सारा एरिया, सपोज कर लेते हैं कि ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, दिस इज द हेड ऑफ ऑप्टिक नर्व, इतना सा एरिया, उसमें से दिस इज द ऑप्टिक डिस्क वाला एरिया। अगर हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लेमेशन हुई है लेकिन बिहाइंड द ऑप्टिक डिस्क इस एरिया में हुई है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, यानी कि पीछे हुई है ऑप्टिक डिस्क से लेकिन हेड के एरिया में ही हुई है, ठीक है। अच्छा,
तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस की वजह से अगर आपका न्यूराइटिस जो है वो ठीक ना किया जाए, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन आखिरकार क्या करती है, सेल डेथ कर देती है। तो सेल डेथ हो जाएगी इस एरिया की, और सेल डेथ इधर की हो भी जाएगी तो भी डिस्क बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगी। हम फंडोस्कोपी करेंगे, हम ऑप्टिक डिस्क को देखेंगे आगे से, तो छोटी सी हमें नजर आएगी वो बिल्कुल ठीक होगी। तो डिस्क अपीयर्स नॉर्मल, लेकिन पीछे की तरफ इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी। सिर्फ रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस नहीं है, इसमें और भी कॉजेज हैं हमारे पास, और वो आ सकती हैं जी आपकी इस्कीमिक ऑप्टिक एट्रोफी, सॉरी इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इस्कीमिया हो जाता है उन वेसल्स का जो आपकी ब्लड सप्लाई लेके आ रही है। जब इस्कीमिया होगा तो आपका पीछे का एरिया अलग से इफेक्टेड होगा और आगे का अलग इफेक्ट होगा। हो सकता है कि इस्कीमिया सिर्फ उस वेसल में हो जो यहाँ सप्लाई कर रही है, या यहाँ सप्लाई कर रही है, कप की वेसल्स ठीक हो तो आपका कप नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन पीछे प्रॉब्लम होगी। तो जब भी प्रॉब्लम पीछे होगी डिस्क से, तो आपका जो डिस्क है वो नॉर्मल होती है और पीछे की तरफ इशू होता है, उसको हम प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। उसमें आपका इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी आ जाती है, ट्रोमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, फिर हेरिडिटरी जो होती है हमारे पास, न्यूट्रिशनल टॉक्सिक, जितने भी मसले ब्लड से रिलेटेड हैं। न्यूट्रिशनल में भी ब्लड में अल्कोहल ज़्यादा था, टॉक्सिक में ब्लड में अल्कोहल या मेथनॉल ज़्यादा था, तो उन सारों में पीछे से प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारी प्राइमरी होगी, ठीक है। सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी में आपकी जो प्रॉब्लम है वो आगे से जाएगी, स्वेलिंग होगी ऑप्टिक डिस्क की, एडिमा होगा ऑप्टिक डिस्क का, और फिर आपके सेल डेथ होगी, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी। तो इसमें कोई नई कंडीशन नहीं आती, ऑप्टिक एट्रोफी जितनी भी हो रही है वो आपकी उन्हीं पुरानी चीज़ों से ही हो रही है जो कि मुसलसल हैं और ठीक नहीं की गई। वही रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है, वही पेपिलेडिमा है, वही पेपिलाइटिस है, वही सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ अगर वो ठीक ना की जाए तो आखिरकार वो सेल डेथ कर देती है। तो सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी में आगे प्रॉब्लम होगा, पेपिलाइटिस होगा, पेपिलेडिमा हो सकता है। पेपिलाइटिस और पेपिलेडिमा में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का हेड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है तो हेड की इन्फ्लेमेशन होती है और आपका डिस्क बहुत ज़्यादा स्वॉलन होती है, हाइपरीमिक होती है। तो सेकेंडरी कॉजेज में आगे इशू होगा, ठीक है। और जो डिस्क की अपेयरेंस मैंने आपको बता दी है, इस वाले में जो प्राइमरी है इसमें डिस्क में कोई खास मसला नहीं होता, सिर्फ वो बिल्कुल चौकी वाइट कलर की हो जाती है। मैं अभी आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्क है वो भी हाइपरीमिक होगी, स्वॉलन होगी जो ऑप्टिक डिस्क है, और उसके साथ साथ उसकी कलर डर्टी ग्रीन से कलर का हो जाता है। वो डर्टी ग्रीन कलर इस वजह से होता है क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी जो यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है ना, ऑप्टिक डिस्क क्या है, बेसिकली ऑप्टिक नर्व ही है जो आपको शुरू से नजर आ रही है, उसका हेड है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ जहाँ नर्व होती है वहाँ पर नर्व का सपोर्टिंग टिश्यू होता है और उसको हम कहते हैं ग्लाइल टिश्यू, ठीक है। ग्लाइल टिश्यू क्या है, नर्व्स का जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है, उसमें डिफरेंट तरह के सेल्स आते हैं जो नर्व्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। अब जो सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी है ना आपकी, इसमें ग्लाइल टिश्यू का भी डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। उसमें ग्लाइल टिश्यू आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं और उनकी इफेक्ट होने की वजह से जाहिर है वो अपने आप को ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन जो ग्लाइल टिश्यू की होती है ना, उसकी वजह से डिस्क जो है वो डर्टी ग्रीन कलर की हमें नज़र आती है इन सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी। प्राइमरी में क्या मसला है, प्राइमरी में मसला आगे है ही नहीं, मसला पीछे है। तो पीछे कुछ भी होता रहे, ग्लाइल टिश्यू आए ना आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्क जो है वो चौकी वाइट कलर की, चिट्टी गोरी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर डिस्क डर्टी ग्रीन होगी बिकॉज ऑफ द ग्लाइल टिश्यूज, बिकॉज मसला आगे से जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डिस्क, जो ऑप्टिक डिस्क होती है उसके मार्जिन बिल्कुल क्लियर होते हैं, यहाँ पर पोअरली डिफाइंड मार्जिन होंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी। कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी में हमारे पास जो कॉज है वो रेटिना की कोई भी कॉज होगी, ठीक है। रिमेंबर, अगर रेटिना का कोई इशू है, रेटिना का क्या इशू हो सकता है, हमारे पास आपको पता है कि एक सिंड्रोम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिकली आपकी विजन जो है वो लॉस होती जाती है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा या इस जैसा कोई भी आपका अगर इशू होता है रेटिना में, तो उसमें आपकी जो ऑप्टिक एट्रोफी है अगर वो अनट्रीटेड रहेगा तो इट विल बी अ टाइप ऑफ कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी। अब इसमें जो आपकी डिस्क का कलर है ना, यहाँ पर तो मैंने आपसे कहा था कि चौकी वाइट है और यहाँ डर्टी ग्रीन है, इसमें आता है वैक्सी पेलर कलर, ठीक है। पेल हो जाती है बिकॉज इशू रेटिना में है और रेटिना की इशू होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो पेल कलर का वैक्सी सा कलर आता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगी। और आखिर में हमारे पास जो चौथी टाइप है वो है ग्लॉकोमेटस टाइप ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी, जो कि आपको पता है कि इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाती है। वही ऑप्टिक न्यूरोपैथी अगर ट्रीट ना की जाए तो ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास चार तरह की ऐसी कॉजेज हैं जो ऑप्टिक एट्रोफी कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ मेजर बातें याद रखनी है ताकि एमसीक्यूज अगर आ जाए तो सॉल्व हो जाए। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स इसमें ये होते हैं कि आपकी विजुअल एक्विटी फ़ौरन से भी लॉस हो जा सकती है, आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कॉज क्या है। कलर विजन डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, आप दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट सही नहीं कर सकते, और आपका वो पिपिलरी डिफेक्ट भी डेफिनेटली प्रेजेंट होगा।
आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है, जो चीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें आपने सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज हैं और ब्लड काउंट, ब्लड प्रेशर, शुगर, मतलब तो जो चीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ट्रीट भी आप कॉज के हिसाब से करेंगे। सिर्फ ये याद रखना कि इसमें ऑप्टिक डिस्क इज चॉकी वाइट, इसमें डर्टी ग्रीन, इसमें वैक्सी पेलर है, मतलब पेल कलर की हो जाती है और इसमें वाइट हो जाती है। तो ये बातें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। एक टेबल आपकी जो जतोई में बना हुआ है बड़ा अच्छा सा, उसको फॉलो कर लें बेशक, और एक डायग्राम देख लें, फिर हम एंड करते हैं। तो गाइस इस डायग्राम में आप देखें कि ये है आपकी प्राइमरी टाइप और ये सेकेंडरी टाइप, और ये कंजेक्टिव है। दिस इज़ चौकी वाइट, ये हल्की हल्की डर्टी ग्रीन नज़र आ रही है आपको, और इसमें वैक्सी मतलब पेल है थोड़ी। ठीक है, बस ये तीन बातें यहाँ पर हमारे पास। बात खत्म होती है, अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।